हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इग्नू वाला। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे MGPE 011, ये जो हमारा सब्जेक्ट कोड है, ये किस क्लास का है, कौन से ईयर के स्टूडेंट्स का है, पहले ये बात कर लेते हैं। ये जो हमारा MGPE 011 है, ये है MA सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो पोलिटिकल साइंस स्टडी कर रहे हैं, उनके पास एक सब्जेक्ट कोड है। मतलब ज़रूरी नहीं है MA या सेकेंड ईयर हर किसी के पास हो, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट कोड है MGPE 011। अगर आपके पास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। वैसे तो मैंने अपने चैनल इग्नू वाला पर MGPE 011 की वीडियो पहले से ही अपलोड की कर दी थी, आप उसे देख सकते हैं। अब आप उस वीडियो को देखने के बाद ये ना सोचें कि वो तो जून सेशन में बनाई थी। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो हमारा सिलेबस है वो चेंज नहीं होता है, ना ही अभी तक हुआ है, ठीक है। तो ये ना सोचे कि वो जून सेशन वालों के लिए थी, दिसंबर वालों के लिए नहीं होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ये हर साल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, बस इनका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपके लिए वो वीडियो भी हेल्पफुल है और ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर भी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए चल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, उसके विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं मानव सुरक्षा की बात करूं तो मानव सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि यदि मानव हर एक प्रकार के खतरों से सुरक्षित है, दैट मीन्स मानव क्या है सुरक्षित है, और उसी को ही मानव सुरक्षा कहा जाता है। जब मानव हर एक प्रकार के खतरों से सुरक्षित हो तो उसी को ही मानव सुरक्षा कहा जाता है। क्लियर? तो ये टॉपिक क्लियर है। सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एग्जाम में, आपको वर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले उसके शब्दों को समझना कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। देखिए, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि ये जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ, सारे ही क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अपने शब्दों में समझाऊं। देखिए, बुक की लैंग्वेज तो आप बुक में से भी देखकर पढ़ सकते हैं, बट मेन बात ये होती है कि जब हम सिंपल और सरल भाषा में किसी चीज़ को समझते हैं ना, अपनी ही भाषा में दूसरों से जब हम समझते हैं तो वो हमें जल्दी समझ आता है। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं अपने शब्दों में आपको समझाऊं और आप खुद उनको अपने शब्दों में बनाकर लिख दो और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। मानव सुरक्षा समझ आया कि अगर मानव कई प्रकार के खतरों से सुरक्षित है तो दैट मीन्स मानव सुरक्षा है। अब वो कौन कौन से खतरे हो सकते हैं मानव के लिए, वो हम आगे बात करेंगे कि किन किन खतरों से मानव सुरक्षित होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, मानव सुरक्षा को देखा जा सकता है, ठीक है। देखिए, चलिए थोड़ा सा मानव सुरक्षा की बात कर लेते हैं कि मानव सुरक्षा से पता चलता है कि लोग का केंद्रित है और सुरक्षा की बहुअनुशासनात्मक समझ में कई शोध क्षेत्र शामिल होते हैं, जिससे विकास अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, रणनीति अध्ययन और मानव अधिकार स्पष्टीकरण आवश्यक, जो इन चीज में शामिल होते हैं। मानव सुरक्षा के अंदर अगर कहीं पर मानव सुरक्षा देखी जाती है, मानव सुरक्षा जिस राज्य के अंतर्गत मानी जाती है वहां पर मानव विकास, मानव अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और रणनीति संबंध, मानव अधिकार, ये सभी शामिल होते हैं। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, जहां पर मानव सुरक्षा होती है तो मानव विकास तो होना ही होना है, और ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे किस तरह मानव सुरक्षा और मानव विकास आपस में अंतर संबंध है। क्लियर? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 1994 की मानव विकास रिपोर्ट को मानव सुरक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर प्रकाशन माना जाता है। क्लियर? जिसके तर्क के साथ ही सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता और भय से मुक्ति यानी कि सुनिश्चित करना सबसे अच्छा तरीका है, जिसी को ही मानव सुरक्षा कहा जाता है। समझे आप? यानी कि मानव को हर एक प्रकार के खतरों से बचाना ही मानव सुरक्षा कहलाता है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से खतरे हैं जिसमें मानव सुरक्षित होना चाहिए। सबसे पहला आ जाता है हमारा आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि अगर व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, सार्वजनिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, मानव को ये आर्थिक सुरक्षाएं अगर दी जाएंगी तो व्यक्ति क्या है, मानव सुरक्षित है, ठीक है। और अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें तो हमारे भारत में एक चौथाई लोगों को ही, सिर्फ और सिर्फ एक चौथाई लोगों को ही क्या है, मानव सुरक्षा प्रदान है। मानव सुरक्षा के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा प्रदान है, ठीक है। आर्थिक सुरक्षा के अंदर क्या आता है, देखिए आर्थिक सुरक्षा क्या होती है, हमारी रोज की सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा जिसमें कि हमारी रोजगारी बेरोजगारी शामिल है ना, बेरोजगारी की आर्थिक सुरक्षा, और हिंसा की, जाति
जात पात की, इन सब की, ये कौन सी सुरक्षा में आती है? आर्थिक सुरक्षा के अंदर। देखिए सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि व्यक्ति की रोजगार, बेरोजगार, हिंसा, अहिंसा, जात पात की लड़ाई झगड़े, ये सब किसके अंदर आते हैं? आर्थिक सुरक्षा के अंदर। अगर व्यक्ति के साथ ये सब चीजें मौजूद हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, तो व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं है। अगर इन सब चीजों से व्यक्ति मुक्त है तो व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान है। क्लियर? मैं यहाँ पर आपको सिर्फ मेन मेन पॉइंट क्लियर कराने की कोशिश करूंगी, और बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा क्या होता है? देखिए मानव सुरक्षा के अंतर्गत जो एक पहलू ऐड किया गया वो है खाद्य सुरक्षा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खाद्य सुरक्षा क्या होती है? तो देखिए आप अपने आसपास राशन की दुकानें देखते हैं, जो आपको मंथली राशन मिलता होगा, जो सरकार की तरफ से जो आपको राशन दिया जाता है, जिसमें गेहूं, चावल, दाल, चीनी, ये सब चीजें दी जाती है, उसी को ही खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। ठीक है, देखिए आपके घरों में तो हो सकता, हाँ, हम सभी लोग तो ठीक ठाक हैं, मतलब हमें तो खाने के लिए खाना वगैरह मिल ही जाता है। ठीक है, कुछ फैमिली ऐसी हैं जो कई कई दिनों तक रात को भूखी सोती हैं, जिन्हें खाने के लिए कुछ भी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो सरकार द्वारा उन लोगों तक खाद्य सुरक्षाएं दी जाती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है उन लोगों तक खाद्य सुरक्षा मिल पाती होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा तो वहां तक उन लोगों तक तो पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि सरकार ने इतने सारे रूल्स भी तो बनाए हुए हैं ना, आधार कार्ड वाला, पहचान पत्र वाला, और ये मतलब काफी सारे ऐसे रूल बनाए हैं कि वो बेचारे इन सब सुविधाओं तक आगे पहुंच ही नहीं पाते। जिन लोगों के पास पहचान पत्र नहीं, राशन कार्ड नहीं, तो वो कैसे इनका लाभ उठा पाएंगे? और जो लोग एक टाइम का भोजन ही खुद अपने आप नहीं बना पा रहे हैं, अपने आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, जुटा पा रहे हैं, तो वो लोग इन सब चीजों को कैसे कर पाएंगे, है ना? तो इसीलिए जो खाद्य सुरक्षा होती है, सरकार द्वारा क्या होती है, उन लोगों तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम होता है, ताकि देश का हर एक व्यक्ति क्या हो, स्वास्थ्य हो। खाद्य सुरक्षा मिलेगी तभी तो स्वास्थ्य रह पाएंगे ना, स्वास्थ्य रहने के लिए खाद्य सुरक्षा दी जाती है। तो ये हमारे खाद्य सुरक्षा में ऐड होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट आता है वो आता है स्वास्थ्य सुरक्षा। देखिए मानव सुरक्षा की सबसे इंपॉर्टेंट सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा भी मानी जाती है। भाई व्यक्ति स्वास्थ्य होगा तभी तो वो सुरक्षित रह सकता है ना, तो व्यक्ति को स्वास्थ्य रखने के लिए इसको स्वास्थ्य सुरक्षाएं भी दी गई हैं। जैसे कि आप अपने आसपास देखेंगे छोटी छोटी डिस्पेंसरियां, ये मोहल्ला क्लिनिक, और गवर्नमेंट की तरफ से इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोले गए हैं। जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस नहीं दे सकते हैं, प्राइवेट में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए भी अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का अधिकार है, वो भी अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करा सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के, जो कि प्राइवेटों में भी इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं दी जाती है, तो वो क्यों दी जाती है? ताकि मानव सुरक्षित रह सके। जब मानव स्वास्थ्य रहेगा तभी तो मानव क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो आप ये इतने छोटे छोटे, इतने इजी इजी पॉइंट है, बस आप इन पॉइंटों को समझिए कि पॉइंट क्या कह रहे हैं, और बाकी आप बना बना के आराम से लिखिए। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी कोड है। आप अगर इसको समझ के चलेंगे ना, तो आप इसको इजीली बना बना के कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पर्यावरण सुरक्षा। देखिए पर्यावरण सुरक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पर्यावरण सुरक्षा तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि कई राज्यों में कई बार बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो अब ऐसा तो नहीं है जिस राज्य में बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया है, तो वहां की सरकार उन लोगों को छोड़ देगी, उन्हें उनके हाल पे छोड़ देगी, ऐसा नहीं हो सकता है। उस बाढ़ में उस जो भी वहां पर जो भी दिक्कत परेशानी हुई है, सरकार का पूरा हक होता है, सरकार का पूरा फर्ज बनता है कि वहां के लोगों का आवास का, रहने खाने पीने का, उनके जीवन का ध्यान रखने का सरकार का अधिकार होता है। तो उसी को ही तो पर्यावरण सुरक्षा कहते हैं, यानी कि पर्यावरण से जो भी परेशानी हो, खतरे आए, उनसे सरकार क्या करे, लोगों को बचाए। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, पर्यावरण सुरक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत सुरक्षा। व्यक्तिगत सुरक्षा में क्या आता है, व्यक्तिगत सुरक्षा में व्यक्ति खुद सुरक्षित होना चाहिए। किन चीजों से सुरक्षित होना चाहिए? शारीरिक हिंसा से। ये जितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ देना, गली मोहल्ले पड़ोस में लड़ाई हो जाना, अब बाई चांस ऐसा हो जाता है, तो इस चीज को निपटाने के लिए भी तो सरकार ने कुछ सुविधाएं की हुई है। जैसे कि आपके आस पास, आपके आपके जो भी एरिया होगा, वहां पर कोई ना कोई जरूर पुलिस चौकी, छोटे छोटे थाने जरूर दिए होते हैं, ताकि अगर कहीं पर भी कोई लड़ाई हो जाए तो आप फटाफट से कॉल करें और पुलिस वहां पर आपकी सेवा के लिए हाजिर हो और आपके उस झगड़े को सुलझाए, यानी कि शारीरिक हिंसा से आपको वो बचाए। चाहे राज्य आपके ऊपर कोई भी परेशानी करे, या फिर बाहरी राज्य हो, कहीं पर भी हिंसा हो, तो उन सब चीजों से व्यक्ति को सुरक्षा मिल सके। इसी को ही क्या कहा गया है, व्यक्तिगत सुरक्षा कहा गया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सामुदायिक सुरक्षा। सामुदायिक जैसे कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लोगों के बीच में होती है लड़ाई। नीची कास्ट, जैसे मैं बोलूं नीची कास्ट के लोग और ऊंची कास्ट के लोगों में सबसे ज्यादा क्या मिलती है, ये चीजें देखने के लिए मिलती है, नीची कास्ट के लोगों में और ऊंची कास्ट के लोगों में।
अब ये जो ऊंची कास्ट के लोग हैं भाई, अब ये नीचे कास्ट के लोगों को तो ज्यादा कुछ समझेंगे नहीं, तो इन दोनों में जरूर भेदभाव वाली भावना तो रहेगी। तो सरकार ने ये जात पात वगैरह जो पहले के टाइम में आपको देखने के लिए ज्यादा मिलती थी, वो सब चीजें धीरे धीरे खत्म कर दिया। आज आप देखेंगे तो ये कास्ट को लेकर कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है। आज भी है कुछ हद तक हमारे समाज में, लेकिन जैसे पहले आपको देखने के लिए मिलता था, ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाली समस्याएं जो पहले देखने के लिए मिलती थी, आज हमारे देश में वो चीजें नहीं मिलती है। सामुदायिक सुरक्षा यानी कि हर एक समुदाय को, हर एक जाति को सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है राजनीतिक सुरक्षा। राजनीतिक सुरक्षा इस बात से संबंध करती है कि लोग ऐसे समाज में रहते हैं जहां उनके बुनियादी मानव अधिकारों का हनन ना हो। अब देखिए बुनियादी अधिकार कौन से होते हैं, जो व्यक्ति को जन्म से ही अधिकार मिले थे, और वो कह कितने हैं हमारे, कौन कौन से हैं हमारे, 6 मानव अधिकार हैं हमारे। पहले हमारे 7 थे बट अब 6 ही रहेगा, जिसमें कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है ना। संपत्ति का अधिकार अभी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार था ना अनुच्छेद 31 में, व्यक्तियों को क्या दिया गया था, संपत्ति का अधिकार 30 में, तो अब वो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो अगर व्यक्ति को क्या है, ये मौलिक अधिकार एक राज्य देता है, तो व्यक्ति क्या है, सुरक्षित है। मानव के साथ किसी भी प्रकार का, उनके अधिकारों के साथ कोई भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए राज्य के द्वारा, ठीक है। उस पर कोई भी यातनाएं नहीं दी जानी चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यक्ति के साथ राज्य द्वारा कोई भी भेदभाव दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर ये चीज उसको प्राप्त है तो व्यक्ति क्या है, राजनीतिक सुरक्षा के अंतर्गत है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए, बस ये मेन मेन पॉइंट है, बस की पॉइंट आपको याद रखने, बुलेट पॉइंट्स कोशिश करें कि एग्जाम में बुलेट पॉइंट्स का आप यूज करें, इन बुलेट पॉइंट्स को आप याद रखें, और इनके अंदर आप अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में जो जो आप लिख सकते हैं वो आप इन्हें इजिली लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। बस मेन आपको ये पॉइंट रिवाइज करने हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत में ग्रामीण कृषि मजदूरों, यहां पर ऐड करना है आपको कृषि मजदूरों, कृषि मजदूरों के सामने आने वाली समस्याओं को बताइए। भारत में जो गांव में जो कृषि मजदूर है, देखिए अगर हम कृषि मजदूरों की बात करें, जो लोग खेती करते हैं उन्हीं को तो कृषि मजदूर कहते हैं, तो वो उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है। देखिए भारत में कृषि मजदूर अब भी मानसून पर ही डिपेंड होते हैं। अगर मानसून अच्छा होता है तो बेचारों की खेती अच्छी हो जाती है, मानसून अच्छा नहीं होगा तो खेती बेकार, और खेती बेकार तो पूरा साल जब तक उन्होंने अपनी खेती करी थी वो सब खराब है ना। परिवार का लालन पोषण करना भी बहुत भारी पड़ जाता है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में आज भी 53% लोग कृषि खेती पर निर्भर है, क्लियर। तो आपको ये याद रखना है कि थोड़ा सा कृषि में इसके बारे में आप भूमिका में कृषकों के बारे में बताएंगे, किसानों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि वो किस चीज पर डिपेंड होते हैं। मेन मानसून पर वो डिपेंड होते हैं, अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी, वरना अच्छी नहीं होगी तो उनकी आय भी अच्छी नहीं होगी, इनकम भी अच्छी नहीं होगी, और जब इनकम अच्छी नहीं होगी तो फिर परिवार कैसे चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है किसानों के लिए। देखिए बात कर लेते हैं इनकी मेन मेन समस्याएं कौन सी होती है। पहली समस्या आ जाती है कृषि श्रम की समस्या। देखिए कृषि श्रमों की अपेक्षा सन 1951 में कृषि यानी कि किसानों की कर्मचारियों की संख्या, यहाँ पर देखना इस चीज पर आप ध्यान देंगे, 1951 में किसानों की संख्या कितनी थी, 97.2 मिलियन थी, ठीक है, जो कि 1991 में 1999 में बढ़कर कितनी हो गई, 185.2। देखिए कितनी बढ़ गई, यहाँ पर 185.2 मिलियन हो गई, जबकि कृषि श्रमिकों की संख्या 1991 में 27 मिलियन से बढ़कर 1991 में 74.6 मिलियन हो गई थी। इसका अर्थ ये है कि 1991 से और 1991 के बीच की अवधि में कृषि मजदूरों की संख्या में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है। अब सपोज कीजिए कि एक कंपनी है, उसमें अभी 10 मजदूर काम कर रहे हैं। सिंपल इस चीज को मत समझिए, जो मैं समझा रही हूँ वो समझिए कि कृषि श्रम की समस्या का, में श्रम का मतलब क्या है कि एक कंपनी में कितने लोग वर्क कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो इन 10 लोगों को अच्छा वेतन मिल रहा होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 लोग हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि इन 10 लोगों के साथ साथ 10 लोग और ऐड हो गए हैं इस कंपनी के अंदर, 10 लोग और ऐड हो गए हैं, तो भाई कहीं ना कहीं इनके वेतन पे तो फर्क पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं इनके वेतन पे भी फर्क पड़ेगा कि जो इनको वेतन मिल रहा था उनका कुछ हिस्सा अब इनको कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि जब किसान 10 थे तो ज्यादा कमा रहे थे, अब किसान 20 हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो किसान
कम कम खेती करेंगे, कमाई भी कम होगी, वेतन भी कम होगा। दैट मीन्स कृषि श्रम की सबसे बड़ी समस्या ये आई थी। दूसरी समस्या आती है मजदूरी और आय की। भारत में कृषि मजदूरी और कृषि श्रमिकों के परिवार की आय बहुत कम है। हरित क्रांति के आगमन के साथ नगद मजदूरी की दरों में वृद्धि होना शुरू हो गई। हालांकि वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हुई, वास्तविक मजदूरी की दरों में उस हिसाब से वृद्धि नहीं हुई। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत मजदूरों को 150 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिल रही है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, है ना, किसान और मजदूर दोनों ही लोगों के साथ, कि काम तो उनसे बहुत ज्यादा करवाया जाता है, लेकिन आज भी समाज में ऐसा ही है, देश में ऐसा ही है कि वेतन उनको बहुत कम दिया जाता है। आपको याद है कि पहले भी ऐसा ही होता था, पहले के समाज में भी यही होता था। जो बड़े बड़े पूंजीपति होते थे ना, जितने भी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जमींदार होते थे, ये क्या करते थे, मजदूरों को, किसानों को बंधुआ बना लेते थे। बंधुआ का मतलब अपने ही पास रखना है, सब कुछ अपने साथ रखने के बाद उनसे जबरदस्ती क्या करवानी है, मजदूरी करवानी है, खेती करवानी है, ठीक है। लेकिन बंधुआ जो नहीं भी होते थे ना, उनको भी ये लोग क्या करते थे, जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति होते थे, ये क्या करते थे, जैसे कि ये काम करवा रहे हैं लोगों से, 100% का काम करवा रहे हैं, 100% काम करवा रहे हैं, लेकिन जो उनका वेतन देते थे, उनके वेतन के रूप में सिर्फ इनको 10% ही दिया जाता था। इतनी ज्यादा नाइंसाफी होती थी। तो आज भी ये समस्या कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है समाज में। तो इसी को बोलते हैं मजदूरी और आय में समस्या, कि जिस हिसाब से वो मेहनत से काम करते हैं, उस हिसाब से उनको पैसा वेतन नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है रोजगार और काम की परिस्थितियों में समस्याएं। खेतिहर मजदूरों को बेरोजगारी और ठेके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साल के ज्यादातर समय में उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है, क्योंकि खेतों पर कोई काम नहीं होता है और रोजगार के वैकल्पिक स्रोत भी मौजूद नहीं होते हैं। ये बात आप सभी जानते होंगे। अगर आपके भी गाँव में खेत वगैरह है और आपके कोई भी रिलेशन में खेती करता है, तो ये समस्या आप भी देखते होंगे कि साल में अगर वो 2 महीने खेती कर रहे हैं, ठीक है, 6 महीने उन्होंने खेती करी और 2 महीने उस चीज को अपनी कटाई वगैरह में दे दिया है, तो वो जो अब हमारे आगे के जो महीने बचे हैं, जितने भी 4-5 महीने बचे हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। अब उनके पास कोई खेती का काम नहीं होता है। जब खेती का काम नहीं होगा तो फिर रोजगार ही नहीं होगा, और उसके अलावा उनके पास कोई ऐसा चारा भी नहीं होता, कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं होता कि वो कुछ और काम कर ले। तो ये समस्या बहुत ज्यादा होती है कि अपनी खेती के अलावा कोई और उन्हें रोजगार जल्दी से नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट आ जाता है ऋणग्रस्तता। ये क्या होता है, ऋणग्रस्तता, ये क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग, ये जो छोटे छोटे किसान होते हैं, इनके पास इतने पैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सारे ही किसान ऐसे होते हैं, ठीक है। अब भाई खेती कर करके कुछ किसान इतने हाई लेवल पे भी पहुंच जाते हैं कि अपनी खुद की जमीन क्या करते हैं, वो लोगों को दे देते हैं कि अब तुम्हें ही इस पे खेती करनी है, कटाई बुआई वगैरह जो भी होती है तुम ही करो, वो उसके रूप में उन्हें पैसे दे देते हैं, वो अपने घर पे आराम से बैठते हैं, बड़े बड़े किसान बन जाते हैं, है ना, ऐसे किसान भी बन जाते हैं। तो लेकिन ये जो प्रॉब्लम होती है, ये होती है कि जो छोटे छोटे किसान होते हैं, अपनी खेती करने के लिए बैंक से लोन ले लेते हैं, और जब वो बैंक से लोन ले लेते हैं तो जो बैंक होता है वो उनसे 40-50% तक ब्याज मांगता है, और वो इतना ब्याज उन्हें देना भी पड़ता है, भाई खेती करनी है, और ब्याज देने के चक्कर में वो उसी दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। किस चक्कर में फंसे रहते हैं, उसी दुष्चक्र में हमेशा के लिए फंसे रहते हैं, और उसी के अंदर ही घूमते रहते हैं, ब्याज में ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज उन पे चढ़ता रहता है, जिसमें कि वो इसी में ही फंस के रह जाता है, किसान आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी होती है कि बैंकों का बहुत ही महंगा लोन ले, वो ब्याज लेना। नेक्स्ट आता है कृषि श्रम में महिलाओं के लिए कम मजदूरी। देखिए, कृषि के काम में महिलाओं को बहुत ही कम रोजगारी दी जाती है। इसमें आपको बहुत ही कम महिलाएं देखने के लिए मिलेंगी। महिला कृषि श्रमिकों को आमतौर पर कठिन काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम भुगतान दिया जाता है। देखिए, काम तो क्या होता है, महिलाओं को अगर दिया भी जाता है तो काम तो पुरुषों के बराबर ही दिया जाता है, लेकिन महिलाओं को जो वेतन दिया जाता है वो कम दिया जाता है। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमें समस्या कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आती है बाल श्रम की घटनाओं का बढ़ना। भारत में बाल श्रम की घटनाएं काफी उच्च और अनुमानित संख्या 17.5 करोड़ से लेकर 44 करोड़ तक भिन्न है। ये अनुमान किया जाता है कि एशिया में बाल श्रमिकों का 1/3 हिस्सा भारत में है। एशिया के बारे में तो आप जानते ही है, जहां पर लोगों की चिंताओं का बढ़ता सबसे बड़ा कारण क्या था, बाल श्रम, छोटे छोटे बच्चों से कृषि करवाना, उसका 1/3 हिस्सा हमारे खुद के भारत में भी देखने के लिए मिलता है, जो बच्चों से कृषि करवाना ही तो बाल श्रम की घटना होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी एक परेशानी है किसानों की। नेक्स्ट है प्रवासी श्रम में
वृद्धि। नेक्स्ट बनता है प्रवासी श्रम में वृद्धि। हरित क्रांति से सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्रों में लाभकारी मजदूरी के रोजगारी के अवसरों में वृद्धि हुई, जबकि विशाल बारिश अर्ध शुष्क क्षेत्रों में रोजगार के अवसर लगभग ठहर गए हैं। देखिए प्रवासी श्रम में वृद्धि का मतलब क्या होता है, आप उन लोगों को जानते हैं जिन्हें हम बंजर भी बोलते हैं। आज मतलब एक देश में गए वहां पर खेती करी, खेती करने के बाद उनके पास कोई अपना आवास नहीं होता है, अब दूसरी जगह जाएंगे वहां पे जाके खेती करेंगे, वहां पे कुछ दिन अपना घर परिवार चलाया, कुछ दिन अपना जीवन यापन किया, फिर वहां पर सब कुछ खत्म, तो रोजगार के सिस्टम खत्म, तो दूसरी जगह जाते हैं। इस तरीके के जो लोग होते हैं उनमें भी आपको ज्यादा वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। तो ये हमारी क्या है, कृषि की समस्याएं हैं। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा देखिए कई उपाय किए गए हैं इस चीज को हटाने के लिए। फर्स्ट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मजदूरी यानी कि रोजगार दिलाना, ये एक स्कीम सरकार द्वारा लाई गई है। नेक्स्ट है बंधुआ श्रम का उन्मूलन। ये बंधुआ श्रम जो था इसका उल्लंघन बिल्कुल सरकार ने बंद कर दिया है। अब आप बिल्कुल फ्रीडम है, किसान बिल्कुल फ्रीडम है, उन्हें कोई भी बंधुआ नहीं बना सकता, इस प्रथा को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है आवास साइटों पर प्रावधान, आवास साइटों पर प्रावधान। जैसा कि आप जानते हैं आवास जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि एक किसान दूसरी जगह जाकर रहे, तो उस चीज का भी सरकार बंदोबस्त कर रही है। ठीक है, आपने देखा होगा कि यूपी में सरकार मोदी द्वारा हर परिवार हर घर योजना टाइप इस तरीके से बनाई गई, आई थिंक मुझे अच्छे से याद नहीं है, जो कि आप देखेंगे कि यूपी में लोगों को अभी ये स्कीम ज्यादातर यूपी में ही चल रही है कि लोगों को घर दिए जा रहे हैं, सरकार मोदी सरकार खुद उनका घर बना रही है, जो बिल्कुल आवास में नहीं है, जिनके पास अपना खुद का आवास नहीं है, मोदी सरकार उनको क्या कर रही है, घर दे रही है उनको, चाहे छोटा ही दे पर उनको घर बना कर दे रही है। आपने देखा होगा आपकी फैमिली में भी किसी को है, किसी के साथ ऐसी स्कीम मिली होगी, किसी ना किसी को तो बेनिफिट मिला होगा, उसी को कहा गया है आवास साइट का प्रावधान, जो कि सरकार कर रही है। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई है, विकास के लिए विशेष एजेंसियां बनाई गई है, ऋण योजनाएं बनाई गई है। जैसे पहले बैंक बहुत ज्यादा दर पर क्या लेते थे, ब्याज लेते थे, अब उनके कुछ नियम्स रूल्स बनाए गए हैं ताकि दोनों को ही बेनिफिट हो, किसानों को भी और बैंक वालों को भी, तो ये कुछ ऐसी एजेंसियां बनाई गई है। ये है सरकार के द्वारा कुछ किसानों की हेल्प करने के उपाय। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बनता है आतंकवाद क्या है, आतंकवाद के कारण क्या है। आतंकवाद तो आप सभी जानते हैं, है ना, आतंकवाद देखिए, अगर हम आतंकवाद देखें तो आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति आतंक शब्द से हुई है। आतंकवाद ऐसे कार्यों को कहते हैं जिसे किसी प्रकार का आतंक फैलाने के लिए किया जाता है, ऐसे कार्य करने वालों को आतंकवादी कहते हैं। आतंकवाद फैलाने वालों को ही तो आतंकवादी कहते हैं, देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे हम। आतंकवाद एक ऐसी मानसिकता है जिसमें आतंक भय दहशत और अन्य माध्यमों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सफल या असफल प्रयास किए जाते हैं, उसी को आतंकवाद कहा जाता है। सिंपल, कोई ऐसा ग्रुप, एक ऐसा संगठन जो अपनी बात मनवाने के लिए लोगों के साथ गलत करे, हिंसा को अपनाए, मारपीट करे, लड़ाई झगड़ा करे, है ना, उसी संगठन को ही आतंकवादी कहा जाता है। और आतंकवादी जिस काम को करते हैं, वो जो लड़ाई झगड़ा जो भी वो प्रक्रिया कर रहे हैं, उसी को ही आतंकवाद कहा जाता है। दोनों चीज समझ आई, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके साथ गलत किया जाता है, उसे बोलते हैं आतंकवाद, और जो इस प्रक्रिया को करते हैं वो ही आतंकवाद हो जाते हैं। बस आपको इतना सा टॉपिक याद करना है, ठीक है, आतंकवाद और आतंकवादी में। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसके कारण देख लेते हैं, इसको फैलने के क्या क्या कारण है। देखिए आतंकवाद के प्रकार यहाँ पर मैंने आपको कुछ बताए हैं, फर्स्ट है यहाँ पर राजनीतिक आतंकवाद, राजनीतिक आतंकवाद, राजनीतिक आतंकवाद। देखिए राजनीतिक आतंकवाद को के रूप को अक्सर आंदोलनकारी या निम्न स्तर के आतंकवाद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि आतंकवादी आप देखते होंगे राजनीतिक के रूप में, अगर हम देखें तो ये राजनीतिक आर्थिक शक्ति को अर्थव्यवस्थित या उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ये जो राजनीतिक आतंकवाद होते हैं, देखिए मेन पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो राजनीतिक आतंकवाद होते हैं, जो हमारे देश में कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं
वो उनको उखाड़ के फेंकना चाहता है, यानी कि रूल रेगुलेशन देश के नियम कायदे कानूनों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। उन्हीं आतंकवादियों को राजनीति का आतंकवाद कहते हैं। नेक्स्ट है पुरातन पंथी आतंकवाद। इस तरह के आतंकवाद का मकसद पुरानी व्यवस्था को बहाल करना होता है। जो देश में पुरानी रीति रिवाज चलते आते हैं ना, उस चीज को उखाड़ फेंकना इन आतंकवादियों को काम होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है साम्राज्यवादी, साम्राज्यवाद विरोध आतंकवादी। ऐसे आतंकवाद पर विद्वानों में मतभेद है और कुछ विचारकों का मानना है कि साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए व्यवस्थित या फिर अव्यवस्थित संघर्ष आतंकवादी की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि कुछ विचारक इसके विरुद्ध है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका देशों में साम्राज्यवाद विरोधी आतंकवाद होता है। जो ये साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं उन्हीं को ही साम्राज्यवादी विरोध आतंकवाद कहते हैं। शब्दों में ही इनके मेन पॉइंट लिखे हुए हैं, शब्दों को समझना है। राज्य आतंकवाद, ऐसे 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 ग्रुप, ऐसे आतंकवादी जो राज्य के अंदर क्या करते हैं, हिंसा का, जनता पर असाधारण शक्ति का दबाव बनाते हैं, उन पर जबरदस्ती कोई काम करवाते हैं, राज्य के अंदर गलत काम करते हैं ये आतंकवादी उग्रवादी भी कहलाए जाते हैं, है ना। इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, राज्य के अंदर किए गए आतंकवाद, जो कि आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं, यही राज्य आतंकवादी होते हैं हमारे, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है राज्य प्रायोजित आतंकवाद। इसे सीमा पार के आतंकवाद का इस्तेमाल भी किया जाता है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद यानी कि जो सीमा के पार आतंकवाद होता है उसी को ही आतंकवादी कहा जाता है। नेक्स्ट है धार्मिक आतंकवाद। कुछ आतंकवाद ऐसे भी तो होते हैं जो अपने धर्मों का प्रचार करते हैं, जैसे सपोज कीजिए उन लोग ऐसे लोग आतंकवादी ज्यादा बनते हैं, जैसे कि कुछ लोग हिंदू धर्म से हैं, है ना, हिंदू धर्म से हैं, तो वो जो है वो मुस्लिम लोगों के साथ, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, ठीक है, इसको माइंड ना करें कि जो हिंदू है ये मुस्लिम लोगों से अगर नफरत करते हैं तो इन लोगों के साथ मारपीट करें, गलत काम करें, गलत व्यवहार करें, तो ये हिंदू आतंकवाद बन जाएंगे। अगर ये मुसलमान ही हिंदुओं को पसंद ना करें और इनके साथ ही गलत व्यवहार करें तो ये मुस्लिम आतंकवाद बन जाएंगे। यानी कि जब लोग क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर आतंकवाद करेंगे, एक दूसरे के धर्म के नाम पर आतंकवाद करेंगे, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, धार्मिक आतंकवाद बन जाएगा, क्लियर। तो आई थिंक ये टॉपिक भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट है विकास और भूमंडलीकरण के बीच में अंतर बताइए। विकास और भूमंडलीकरण के बीच में अंतर, सबसे पहले आपको यही देख लेना है कि विकास क्या होता है और भूमंडलीकरण क्या होता है। भूमंडलीकरण आप सभी जानते हैं, जिसे हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश के साथ, जब एक कंट्री अदर कंट्री के साथ किन किन चीजों का, सेवाओं का और वस्तुओं का क्या करती है, आयात निर्यात करती है, उसी को ही वैश्वीकरण कहा जाता है, भूमंडलीकरण। सिंपल लैंग्वेज में देखिए, दोबारा से देखिए, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए व्यक्तियों का, सेवाओं का आयात और निर्यात करता है, उसी को ही भूमंडलीकरण कहा जाता है। अब देखिए विकास, देखिए भूमंडलीकरण ने देश का विकास तो काफी हद तक बढ़ा दिया है, है ना। देखिए एक सपोज कीजिए हमारे इंडिया में कोई ऐसी चीज जिससे अभी तक लोग वंचित है, ठीक है, और वो चाइना में किसी चीज, वो चीज बन जाए तो हम क्या करेंगे, चाइना से उसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। और हमने रिलेशन भी ऐसे बना रखे हैं, वैश्वीकरण वाले रिलेशन बना रखे हैं, और चाइना ने वो चीज हमारे देश में बेचनी भी स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसका प्रचलन हमारे देश में भी स्टार्ट कर दिया है, तो संबंध भी अच्छे बने हैं और उस चीज का लाभ हमारा भारत भी उठा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके क्या है, कुछ ना कुछ इसके क्या है, दुष्परिणाम भी है। दुष्परिणाम वो है कि आज जो ये बढ़ती जनसंख्या है, इसमें विकास के कारण हमारा जो ये इन्वायरमेंट है ये भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। जैसे कि पेड़ों को काटा जा रहा है, किस लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करने के लिए क्या किया जा रहा है, पेड़ पौधों को, वनों को, जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, पर्यावरण का बहुत नुकसान हो रहा है। तो इन दोनों में आपको सिंपल संबंध बताने हैं। जैसे मैंने आपको छोटे से पॉइंट में बताया है कि भूमंडलीकरण सबसे पहले आपको बता देना है क्या होता है, उसके बाद इसका विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। विकास भी होता है, इसकी आप आलोचना भी कर सकते हैं और उसकी आप इसके बारे में भी इसकी लिख सकते हैं, अच्छाइयां भी इसके बारे में लिखेंगे और देन इसकी आप आलोचना भी कर देंगे कि किस तरीके से वृद्धि हो रही है और किस तरीके से नाश भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हिंसा से आप क्या समझते हैं, हिंसा क्या होती है और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में बताइए। देखिए हिंसा, सबसे पहले आपको हिंसा की डेफिनेशन बता देनी है कि हिंसा किसे कहते हैं। हिंसा एक ऐसी चीज है, एक ऐसी अवधारणा है जिसमें शारीरिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा तथा संरचनात्मक हिंसा होती है। अतः हिंसा ऐसे किसी भी कृत्य को कह सकते हैं जो व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक एकता को खतरे में डाल दे। हिंसा तो आप जानते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट यही सब तो क्या है, हिंसा ही तो कहलाती है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ गलत करना वही क्या कहलाता है, हिंसा कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हिंसा को दो भागों में बांटा गया है,
चलिए हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट हिंसा के प्रकार देख लेते हैं। हिंसा को दो भागों में बांटा गया है, हिंसा इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रत्यक्ष हिंसा, प्रत्यक्ष हिंसा, और सेकंड है यहाँ पर जिसे मैं अप्रत्यक्ष भी कह सकती हूँ, एग्जाम में देखना ध्यान से, अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं या फिर संरचनात्मक भी कहा जा सकता है, संरचनात्मक हिंसा। क्लियर? अब देखिए दोनों को समझिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी, आपका इतना बड़ा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। दो तरह की हिंसा यहाँ पर है, प्रत्यक्ष हिंसा वो होती है जो कि हम ऐसी हिंसा का यूज करें जिसे सब लोग देख सके। अब वो कौन सी हिंसा होगी जिसे सब देख सकते हैं? देखो जैसे कि मैंने, मेरे सामने मेरे पड़ोसी है, मेरी उनसे लड़ाई हो जाए, ठीक है, और मैं किस हिंसा का यूज करूँ? प्रत्यक्ष हिंसा। कौन सी? मैंने उनको एक चांटा मारा, और मैंने उनको जो चांटा मारा है वो डायरेक्ट उनके गाल पे लगाया, सबको दिख गया वो चांटा, दिख गया भाई सबको दिख गया वो चांटा। तो मैंने उनको चांटा मारा, तो उनकी क्या करा मैंने, शारीरिक हिंसा की, उनके शरीर पर चोट मारी। अब लड़ाई हो गई है, दो पड़ोसियों में आपस में लड़ाई हो गई है, तो एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया है, टांग तोड़ दी है, मतलब ऐसी हिंसा जो शरीर पर दिखाई दे, ऐसी चोट के निशान जो शरीर पर दिखाई दे, तो वो हिंसा क्या होती है? चोट के निशान जो दिखाई दे वो हिंसा ही हमारी क्या होती है? प्रत्यक्ष हिंसा होती है। नेक्स्ट आते हैं अप्रत्यक्ष हिंसा, जिसे संरचनात्मक हिंसा भी कह सकते हैं। ये होती है शारीरिक, जो कि शरीर पर दिखाई दे, ठीक है, शारीरिक जो शरीर पर दिखाई दे। ये होती है मनोविज्ञान, जो कि सिर्फ और सिर्फ मन पर लगे, जो सिर्फ मन पर लगती है। अब मन पर कौन सी हिंसा लगती है भाई? अब आप सोचेंगे मैम मन पर कौन सी लगती है हिंसा, तो देखिए आपको किसी ने चांटा मारा तो आपके यहाँ गाल पे लग गया, लेकिन आपको किसी ने गाली दी तो बॉडी पे कहीं भी स्क्रैच आई, कहीं पे चोट लगी आपके, लेकिन नहीं, लेकिन आपके थोड़ा कहीं ना कहीं आपको हर्ट हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं आपके मानसिकता पर असर पड़ा है उस चीज का। क्या पड़ा है? आपकी मानसिकता पर उस चीज का फर्क पड़ा है, ठीक है। किसी ने आपकी जात पात को लेकर आपको गलत बोल दिया है, नीची कास्ट के लोग इस तरीके से कुछ बोल दिया है, आपकी फैमिली के बारे में कुछ बोल दिया है, तो आपकी चोट तो कहीं नहीं लगेगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस चीज से प्रभावित हो जाएंगे। तो जब हम मानसिक रूप से, कौन से रूप से? मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है? संरचनात्मक हिंसा या फिर अप्रत्यक्ष हिंसा। तो ये दोनों हिंसा आप याद करेंगे, और इनको यहाँ पर तो मैंने ऐसे शॉर्टकट में समझाया, आप इनको अच्छे से बनाकर लिखेंगे ताकि आप अपने पेज कवर कर सके, प्रत्यक्ष हिंसा का पूरा और अप्रत्यक्ष या फिर संरचनात्मक हिंसा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लेते हैं, मानव अधिकार, मानव विकास, मानवीय सुरक्षा के बीच में अंतर बताइए। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी उस वीडियो में क्लियर कराया हुआ है, आप उस वीडियो को एक बार देख लेना, बट एक बार मैं आपको फिर से शॉर्टकट में बताना चाहूंगी, वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना करते हुए शॉर्टकट में आपको बताऊंगी। मानव अधिकार तो आप जानते ही, क्या होता है मानव सुरक्षा? फर्स्ट ऑफ ऑल व्यक्ति को क्या मिलने चाहिए? मानव अधिकार मिलने चाहिए, सॉरी, मानव अधिकार प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। मानव अधिकार प्राप्त होंगे तभी मानव अधिकारों के जरिए व्यक्ति क्या होगा, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। मानव क्या होगा? सुरक्षित होगा। और जब मानव सुरक्षित होगा, मानव खुद सुरक्षित होगा, उसके पास भाई अपने खुद के अधिकार भी है, तभी तो वो अपना मानव क्या करेगा, विकास करेगा, तभी मानव क्या कर पाएगा, अपना विकास कर पाएगा। और जब मानव अपना विकास कर पाएगा तो अपने के साथ साथ वो क्या कर पाएगा, देश का विकास कर पाएगा। किसका विकास कर पाएगा? देश का विकास कर पाएगा। क्लियर? तो ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं संबंधित है, अगर इन तीनों में से एक भी कुछ भी मिस हुआ तो दैट मीन्स मानव विकास या फिर समाज का विकास होना अनिश्चित है, ठीक है। तो इन सभी के लिए, मानव के विकास के लिए या फिर राज्य के या फिर देश के विकास के लिए, इन तीनों का होना जरूरी है। सबसे पहले मानव के पास उसके खुद के अधिकार होने चाहिए, तभी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, और जब व्यक्ति सुरक्षित है तो वो अपना धीरे धीरे विकास करेगा, और अपना विकास होगा, हर एक व्यक्ति का विकास होगा, तभी तो समाज का, राज्य का, देश का विकास होगा ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाकर लिख सकते हैं, बाकी और उस वीडियो में आप जाके इस क्लास को देख सकते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया में मानव सुरक्षा संबंधी चिंताएं बताइए। मानव सुरक्षा संबंधित दक्षिण एशिया के बारे में तो आप सभी जानते हैं ना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर कराया हुआ है, तो आप उस इस टॉपिक को उस वीडियो में जाकर जरूर देखें। बाकी एकदम शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये दक्षिण एशिया थी इसमें कौन कौन सी समस्याएं थी जो कि देखने के लिए मिल रही थी। जैसे अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में भी बताया था, क्या था? बाल श्रम। क्या बताया था मैंने आपको ऊपर? वहां की जो सबसे बड़ी चिंता थी बाल श्रम की, बाल श्रम की, छोटे छोटे बच्चों को क्या किया जा रहा था, बाल श्रम बनाया जा रहा था। अब बाल श्रम क्यों बनाया जा रहा था? क्योंकि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। किस चीज की व्यवस्था नहीं? शिक्षा की व्यवस्था नहीं। अब भाई बच्चों के पास जब शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो बच्चे तो कहीं ना कहीं काम करेंगे ही ना, शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं है। दूसरी है अस्वास्थ्य,
अस्वस्थ है, वहां पर लोगों के स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या थी जिसे हम बोल सकते हैं, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या भी एक बहुत बड़ी वहां पर समस्या देखने के लिए मिली थी। कौन सी? भ्रूण हत्या। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाती है, अब जब ये सब चीजें नहीं है, ना ही वहां कोई शिक्षा है और ना ही वहाँ स्वास्थ्य के लिए कुछ है, तो बेरोजगारी तो अपने आप ही बढ़ेगी वहां की। तो बेरोजगारी भी एक कहीं ना कहीं वहां का कारण माना गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आप इन्हें डीपली में जाकर लिख लेंगे अपने एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बाकी आप मेरी MGP 00 MGP 011 यानी कि 1E11, सॉरी MGPE 011 की वीडियो, आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको उसमें हर एक क्वेश्चन ये मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि खाद्य सुरक्षा। जैसे मैंने आपको ऊपर समझा ही दिया है खाद्य सुरक्षा क्या होती है, सरकार द्वारा लोगों तक जो भी खाने की सुविधाएं दी जाती है उसी को ही खाद्य सुरक्षा कहते हैं। और खाद्य सुरक्षा सरकार कैसे देती है बताया ना मैंने अभी आपको, जो आपके घरों में राशन आता है सरकार द्वारा जो फ्री में राशन आता है उसी को ही खाद्य सुरक्षा कहते हैं, है ना। खाद्य सुरक्षा क्यों दी जाती है? ताकि हर एक व्यक्ति का पेट भरे। खाद्य सुरक्षा की क्यों दी जाती है, ये चीज एक चीज और देखिए कि हमारे भारत में अधिकतर लोगों के लिए केवल पेट भरने के लिए भोजन करना आवश्यक होता है, लेकिन पेट भरने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस भोजन का सेवन मानव कर रहा है क्या उसमें कोई उचित मात्रा में पोषण, कैल्शियम, विटामिन है जो उसके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने और सक्रिय बनाएगा और उसके पाचन तंत्र को भी मजबूत करेगा। ये बहुत बड़ी परेशानी है हमारे इंडिया में, इंडिया में नहीं ज्यादातर ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में देखने के लिए मिलती है ये चीज, कि जिस चीज को खाते हैं ना वो टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हैं। कि ये चीज मैं तो सिर्फ अपने इंडिया की कहूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ इंडिया के बारे में पता है, मैं इंडिया की हूँ, मैं कहीं और किसी देश में किसी कंट्री में नहीं गई हूँ, तो वहां के लोगों के बारे में मैं कैसे किस चीज का टेस्ट ज्यादा पसंद करते हैं तो मुझे उस चीज की ज्यादा नॉलेज नहीं है ना। देखिए हम बुक्स वगैरह में तो पढ़ लेते हैं, बुक्स वगैरह में पढ़ने में एक अलग बात होती है, लेकिन जब हम कहीं जाए और वहां जाकर खुद देखें, खुद एक्सपीरियंस करें, वो चीज हमारे लिए ज्यादा बेस्ट होती है ना। तो हमारे इंडिया में तो ये चीज है कि ये चीज नहीं देखते हैं खाते समय क्या, कि वो जो जो चीज हम खा रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं उसमें कितना कैल्शियम, प्रोटीन, कितना पोषण है, कुछ नहीं देखते हैं, बस अपने टेस्ट देखते हैं कि हाँ ये चाइनीज फूडों में टेस्ट है तो चाइनीज फूड ज्यादा पसंद करेंगे। तो खाद्य सुरक्षा जो है आप उसका महत्व, आप खाद्य सुरक्षा तो समझ ही गए हैं जो कि क्या सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा के देखिए यहाँ पर कुछ आयाम दिए गए हैं। पहला है पहुंच, प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य पदार्थ मिलते रहे और उसके खाद्य पदार्थों तक आसान पहुंच हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ये खाद्य पदार्थ वाला सिस्टम दिया गया है वो गरीबों के लिए बनाया गया है। किसके लिए? गरीबों के लिए। लेकिन आप देखना राशन में ना जो बिल्कुल ही गरीब लोग होते हैं वो कम मिलते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली या फिर हाई लेवल की फैमिली में ज्यादा खड़ी हुई मिलती है राशन लेते हुए, है ना। तो लोगों की पहुंच ही वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए खाद्य सुरक्षा का जो आयाम है वो है कि प्रत्येक व्यक्ति तक जिसको उसकी जरूरत है वो वहां तक उसकी पहुंच हो। नेक्स्ट है खाद्य उपलब्धता। खाद्य उपलब्धता का संबंध भंडार से है, अर्थात किसी देश के पास कितना अन्न भंडार है। अब देखिए खाद्य उपलब्धता का मतलब ये होता है, कभी कभी ऐसा होता है भारत में कभी कोई परेशानी आ जाए, किसी भी देश में कोई परेशानी आ जाए जिससे कि फसल अच्छी ना हो, तो क्या होता है वहां का खाद्य पदार्थ नीचे स्तर पर आ जाता है, लोगों की जो उपलब्धता होती है वो कम होती है। जब भाई खेती अच्छे से नहीं हुई है तो लोगों तक कैसे राशन पहुंच पाएगा ठीक तरीके से। तो ये एक आयाम बन जाता है जो कि परेशानी भी बन जाती है। नेक्स्ट आता है सामर्थ्य। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य पदार्थों को खरीदने हेतु पर्यावरण संसाधन का उपलब्ध होना, अर्थात लोगों के पास पौष्टिक भोजन खरीदने हेतु पर्याप्त धन होना चाहिए। अब जैसा आपको बताया कि कभी ना कभी कोई ना कोई परेशानी बन जाती है देशों में जिस वजह से लोगों के पास खाद्य उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो लोगों के पास इतनी खुद की अपने पास सेफ पूंजी होनी चाहिए कि अगर सरकार द्वारा किसी मंथ आपको खाद्य उपलब्धता नहीं कराई जा रही है तो आप खुद खाद्य उपलब्ध कर सके। ठीक है, ये तो ये है हमारे मेन कुछ आयाम जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। लास्ट आता है कि खाद्य सुरक्षा जरूरी क्यों है। ये शायद आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि खाद्य सुरक्षा जरूरी क्यों है, ये आप सब जानते हैं कि हमारे लिए खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है। भाई भाई खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा, खाना नहीं खाओगे तो क्या जी सकते हो, कुछ काम वाम कुछ काम धाम हो सकता है। सपोज कीजिए हम एक दिन सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना खाएं, है तो हमारी एनर्जी बिल्कुल वीक हो जाती है, एनर्जेटिक रह पाते हैं हम नहीं रह पाते ना, ऐसा हो जाता है बिल्कुल सब नहीं है बस की कुछ भी काम करना, ऐसा हो जाते हैं हम। तो इसलिए खाद्य सुरक्षा बहुत जरूरी है अपने शरीर को अच्छा हेल्थी स्वास्थ्य बनाने के लिए, अपना रोजगार आगे करने के लिए, काम करने के लिए, हर चीज के लिए। अगर जिंदगी जीनी है तो खाद्य सुरक्षा जरूरी है, खाना जरूरी है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स आई होप ये जो जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं
वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर एक आधी टॉपिक आपका रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैंने और वीडियोस भी बनाई हुई है अपने चैनल पर MGPE011, तो आप उनके क्वेश्चंस भी, वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए गए हैं, तो आप एक बार उन्हें भी देख लें और इस वीडियो को भी देख लें। और आई होप, मैं कह सकती हूँ गारंटी से, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।